भाटी गेट में कई इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। छत्ती गली में वाकई तमाम इमारतें बौसीदा हो चुकी हैं। उसी गली में दो रोज़ कबल छत गिरने के 22 बाप बेटा जाँ बहक हुए थे। मानसून के 22 मजीद इमारतें गिरने का खदशा है, जबकि लाहौर में 487 मख्तूश इमारतों में से 400 अंदरून लाहौर में वाक़ हैं। इसी हवाले से मजीद तफसलात बताएंगे जैन अली। जी बिल्कुल, सूबाई दारुलहकूमत लाहौर में कुल 487 जो है वो मखदूश इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 400 के करीब इमारतें जो हैं वॉल्ड सिटी में मौजूद हैं। बोसीदा और पुरानी इमारतें जो हैं वो सिर्फ 400 के करीब वॉल्ड सिटी अंदरून शहर लाहौर में जो है वो मौजूद हैं, जिसके जो सरपरस्त हैं वॉल्ड सिटी वाले हैं। लेकिन आए रोज़ वॉल्ड सिटी की कारकर्दगी कुछ इस तरीके से कि आए रोज़ जो है ये 400 के करीब इमारतों में से कुछ इमारतें जो है वो गिरने के वाकया जो है वो रूनमा हो रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन फ़खर अब्बास आपको कुछ इस बिल्डिंग की सूरत हाल अगर आपको दिखा सके, तो खस्ता हाल बिल्डिंग है। वर्ल्ड सिटी को जो है वो बारहा शिकायत भी कर रहे हैं इलाका मकीन, लेकिन कोई भी जो है वो इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा। तमाम इमारतों की जो सूरत हाल है वो इसी किस्म की है। हर दूसरा तीसरा घर जो है वो पुराना बना हुआ है, जिसकी इमारत जो है वो बोसीदा हो चुकी है, जिसके गिरने के वाकया जो है वो रोनमा हो रहे हैं। इस गली के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर। सर, जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं ये छती गली, कबल कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले ये गली भी गिर गई थी और हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये गली बनवाई और उसके बाद वॉल सिटी वाले यहाँ पे आए और आगे देख के सारा सर्वे किया और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने ये बनवा ली है कोई और हमारे लायक काम बताए। मैंने बताया जी ये हमारे गली गिरने की वजह से हमारा मकान ना काफ़ी मतलब हिल गया है, इसमें दराड़ें आ गई हैं। आके उन्होंने अंदर सर्वे किया वॉल सिटी वालों ने, उन्होंने कहा जी हम आपको ये मतलब सारा रिपेयर करवा देंगे। एक दफ़ा सर्वे करके चले गए, कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, हमारी उनसे फिर बात हुई, हमने दरख्वास्त वगैरह दी, आके उन्होंने फिर सर्वे किया, उन्होंने कहा जी रूटीन वाइज अब हम आपका करेंगे, हम उधर से भाटी से मतलब शुरू करेंगे, फिर ये ऐसे प्रोजेक्ट होगा, मतलब उनकी जो बातें थी टाल मटोल वाली उन्होंने किया। ये जो इन्होंने बताई है बात, ये बात मेरे सामने हुई है सारी, इसी तरह से ये छत भी गिरी थी और ये जो बता रहे हैं यही छत के नीचे आने से बच गए थे, तो उसके बाद ये रिपेयर हुई सारी छत भी। और उस वक्त भी ऑफिसर्स आते रहे वॉल सिटी के, लेकिन वो आने और जाने की हद तक था, बस वो आने जाने हम देखते रहे और कुछ नहीं हुआ। सर, मेरा जो घर है वो आकर देखें कि कैसे वो है, कि जैसे हम बैठे हों कि आज है सुबह नहीं है, यकीन माने कि हम इतना खौफजदा हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारे वो मकान है जो कि बिल्कुल आज से 100-100 साल पहले के बने हुए हैं, मिट्टी के गारे के बने हुए हैं, तो उसमें हम बैठे हुए हैं। रात को हम कहते हैं यार अल्लाह सुबह हमें उठा देना, तो जैसे भाई ने बोला है वैसे ही हो रहा है। सर, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अंदरून का एरिया मुहर्रमुल हराम जो है वो 9वीं-10वीं को खसूसी तौर पर इस जो अंदरून शहर है यहाँ पर मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं, और इन्हीं अंदरून शहर में तकरीबन 400 के करीब बुसीदा इमारतें, बुसीदा घर जो है वो मौजूद हैं। मुहर्रमुल हराम करीब है, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी की नाकिस हिकमत अमली, नाकिस कारकर्दगी के बायस कोई भी जो है घर है वो असल हालत में मौजूद नहीं है, वो ठीक हालत में मौजूद नहीं है। खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त मानसून चल रहा है, मज़ीद जो है वो छतें गिरने के खदशात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी का किरदार क्या है वो किसका किसी को भी नहीं पता। जी शुक्रिया जैन।